Hello students, welcome to my today's video on money laundering. As you know, money laundering is very important for the law and order situation in a country. You must have enjoyed my previous video on KYC. KYC क्यों की जाती है? आज वाले टॉपिक में आपको समझ में आएगा. तो मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे नाम से पता लगता है ना, लॉन्ड्रिंग एक लॉन्ड्री होता है. लॉन्ड्री क्या होता है? कपड़े धोने का काम. यहाँ क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे को धोना. ये तो है नहीं कि 2000 के नोट को या 500 के नोट को वॉशिंग मशीन में डालेगा. तो इसका मीनिंग क्या है समझने के लिए, क्लीनिंग मनी. जैसे कपड़े धोए जाते हैं, साफ हो जाते हैं, क्लीनिंग मनी. अब कौन सी मनी है जिसको क्लीन करेंगे? जो डर्टी होगी. जैसे डर्टी क्लॉथ है, ऐसे डर्टी मनी होती है, उसको क्लीन करना जो है उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डर्टी मनी टू लुक लाइक लेजिटिमेट मनी. डर्टी मनी को क्लीन करना सो दैट इट लुक्स लाइक ए लेजिटिमेट मनी. कभी भी डर्टी मनी लेजिटिमेट मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, बट इट मे लुक लाइक ए लेजिटिमेट मनी. अब डर्टी मनी क्या होती, आपको शायद पता होगा, जो ब्राइब का पैसा है, जो लोग करप्ट होते हैं, पैसा गलत लेते हैं, वो डर्टी मनी है. प्रोस्टिट्यूशन रिंग चलाते हैं लोग, वो डर्टी मनी है. स्मगलिंग से जो पैसा आता है, इलीगल आर्म सेल है, फ्रॉड करते हैं जो लोग, या टैक्स इवेजन करते हैं, इनकम टैक्स एक्साइज ड्यूटी इवेड कर ली, पे ना किए, वो जो पैसा है उसको हम डर्टी मनी बोलते हैं. और जिसके पास ये डर्टी मनी होती है, ही ट्राइज टू क्लीन दिस मनी, और क्लीन करने को प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं. ये इलीगल है, और मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ डर्टी मनी कभी भी वाइट मनी लेजिटिमेट मनी नहीं हो सकता. जस्ट इट इज ए ट्राई बाय दोज पीपल के ये देखने को लगे लेजिटिमेट. कैसे करते हैं वो? तीन स्टेजेस हैं इसमें. पहली स्टेज है प्लेसमेंट, कि वो जो डर्टी मनी है उसको फाइनेंशियल सिस्टम में, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम में, जैसे बैंकों में, इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया. दिस इज प्लेसमेंट. पैसा रख दिया, बैंक में सेविंग अकाउंट खोल के रख दिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, इंश्योरेंस कर दी. सेकंड स्टेज उसकी है लेयरिंग. पैसा रखने के बाद दैट पर्सन विल कंडक्ट ए नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस. एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, एक बैंक से दूसरे बैंक में ले गए, म्यूचुअल फंड से बैंक में ले गए, बैंक से म्यूचुअल फंड में ले गए, फॉरेन कंट्री में ले गए, घुमा दिया उस पैसे को. ट्रांजेक्शन ऐसे कर दी ताकि इसका सोर्स ना पता लगे कि कहां से पैसा आया था. दिस इज कॉल्ड लेयरिंग. लेयर बना दी, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड देन इंटीग्रेशन. अब वो कहते हैं ये क्लीन हो गया पैसा, इसको फाइनेंशियल सिस्टम में लेजिटिमेट ढंग से यूज करना शुरू कर दो. बैंक में FD अपने नाम पे करवा दो, इंश्योरेंस करवा दो, किसी कैपिटल, इसको कैपिटल यूज कर लें, इन्वेस्ट कर लें, बिजनेस खोल लें. तो ये तीन प्रोसेस, तीन स्टेजेस है मनी लॉन्ड्रिंग. अब ये इलीगल है काम. इसको रोकने के लिए इंडिया में एक एक्ट है जिसको बोलते हो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. उसमें क्या लिखा हुआ है कि बैंकों के कुछ रोल है. जैसे बैंक कोई अकाउंट बिना KYC के नहीं खोलेगा, तो KYC आपने मेरे पिछले वीडियो में समझा. और बैंक में जो कोई ट्रांजेक्शन करेगा उसकी रिपोर्टिंग होगी. एक होती है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, कि बैंक को डाउट हुआ कि गलत ट्रांजेक्शन हो रही, शायद पैसा गलत ढंग से कमाया इसने. दूसरी होती है एक काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट. बैंक में अगर काउंटरफीट करेंसी, फेक नोट जमा हुए, उसकी रिपोर्ट भेजनी होती है. एक होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, वो बैंकों ने भेजनी होती है गवर्नमेंट को, ताकि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सके. एक रिपोर्ट और है जिसको कहा जाता है CTR. CTR मीन्स करेंसी. जो ट्रांजेक्शन, अगर बड़ी ट्रांजेक्शन होती 10 लाख एंड अबव बैंक में एक महीने में कैश जमा होता, तो उसकी रिपोर्ट भी बैंक भेजते हैं, म्यूचुअल फंड भी भेजते हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी. होप यू हैव अंडरस्टूड मनी लॉन्ड्रिंग. आपको एक्ट भी बताया, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इंडिया का, वो भी आपने नाम रखना, 2002 का एक्ट है, ये भी याद रख. वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. All the best to all of you. Thank you.